टीवीएस ने अपनी रोनिन को 2023 के लिए अपडेट कर दिया है और अब ये जो टीवीएस रोनिन है ये भी आपकी E20 पेट्रोल पर चलेगी और उसके साथ साथ इसके इंजन को भी BS6 फेस 2 के हिसाब से कंपेटिबल बना दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे ये टीवीएस रोनिन के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि अगर आप आज के टाइम में ये टीवीएस रोनिन को खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आज के टाइम में इसके कितने वेरियंट्स आ रहे हैं, क्या क्या कलर ऑप्शन आपके पास इसमें अवेलेबल है और अगर आप इसको खरीदने चलते हैं तो फिर ये आपको कितने की ऑन रोड पड़ने वाली है, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और टीवीएस रोनिन के लाइनअप में जो सबसे पहला यानी कि बेस वेरिएंट आता है वो ये SS के नाम से आता है और इसमें आपके पास दो कलर ऑप्शन होते हैं। पहला तो आपका ये ऑल ब्लैक है जो कि आप देख ही सकते हैं कि इसके सस्पेंशन व्हील्स या फिर जितने भी पैनल्स हैं सारे के सारे आपको ब्लैक कलर के दिए जाते हैं और ये जो ब्लैक वाला कलर है इसकी सीट आपको ब्राउन कलर की दी जाती है। और ये जो टीवीएस रोनिन का बेस वेरिएंट है इसका अगर आप एग्जॉस्ट को देखेंगे तो इसके ऊपर आपको ग्रे कलर की प्लेट लगा करके दी जाती है और ये ब्लैक कलर तो मैंने आपको दिखाई दिया। दूसरा इसमें आपके पास एक रेड कलर का भी ऑप्शन होता है और इसके भी सस्पेंशन आपको ब्लैक कलर के ही दिए जाते हैं और इसका जो फ्यूल टैंक है और जो कुछ साइड के पैनल्स है ये आपके रेड कलर के हो गए और इसकी सीट आपको ब्लैक कलर की ही दी जाती है और इसके भी एग्जॉस्ट पर आपको ऐसे ही ग्रे कलर की ही प्लेट लगा करके दी जाती है। और अगर आप कीमतों के मामले में बात करते हैं तो इसके बेस वेरिएंट की दिल्ली एक्चोरूम की मतलब 1,49,000 रुपये के आसपास है और ये मोटरसाइकिल आपको 1,80,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाती है। और टीवीएस रोनिन के लाइनअप में जो दूसरा वेरिएंट आता है वो ये DS के नाम से आता है और अगर आप कॉस्मेटिकली इस मोटरसाइकिल को देखेंगे तो इसके व्हील्स पर आपको रेड कलर की स्ट्रिपिंग दी जाती है और इसकी जो सस्पेंशन है वो आपको गोल्डन कलर के दिए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों इसका जो ये ब्लैक कलर है इस पर भी आप नोटिस करेंगे कि इसके फ्यूल टैंक पर ऊपर आपको कुछ स्ट्रिपिंग्स दिखाई देंगी, आपको ग्रे और रेड कलर की कुछ स्ट्रिपिंग्स दिखाई देंगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके एग्जॉस्ट को भी देखेंगे तो इस पर आपको ग्रे प्लेट की जगह इसमें आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग वाली मेटल की प्लेट लगा करके दी जाती है। और इसके ये DS वेरिएंट में भी आपके पास दो ही कलर ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये ब्लैक वाला हो गया, इसके बाद इसमें आपके पास एक ये ब्लू कलर का ऑप्शन है और ब्लू कलर पर भी आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके भी सस्पेंशन आपको गोल्डन कलर के दिए जाते हैं, व्हील्स पर आपको रेड कलर की स्ट्रिपिंग दी जाती है और अगर आप इसके भी फ्यूल टैंक को देखेंगे तो इधर भी आपको सिल्वर और रेड कलर की स्ट्रिपिंग्स दिखाई देंगी और इसके एग्जॉस्ट पर भी आपको वही एल्यूमिनियम फिनिश वाली मेटल की प्लेट लगा करके दी जाती है। तो दोस्तों ये दोनों तो हो गए इसके DS वेरिएंट के कलर ऑप्शंस और कीमतों के मामले में कि दिल्ली एक्चोरूम की मतलब 1,56,500 के आसपास है और ये मोटरसाइकिल आपको ऑन रोड यही कोई 1,88,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। और टीवीएस रोनिन के लाइनअप में जो तीसरा वेरिएंट आता है या फिर जो इसका ये टॉप एंड वेरिएंट होता है वो ये TS के नाम से होता है। इसमें भी आपको गोल्डन कलर के सस्पेंशन दिए जाते हैं लेकिन इसके व्हील्स पर आपको कोई भी स्ट्रिपिंग नहीं दी जाती है और इसमें आपके पास जो कलर ऑप्शन आते हैं वो आपको डुअल टोन में दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका मडगार्ड भी आपको बॉडी कलर का दे रखा है, फ्यूल टैंक अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देंगे कि इसमें आपको तीन तीन कलर कॉम्बिनेशन वाला फ्यूल टैंक दे रखा है जिस पर आपको येलो कलर की स्ट्रिपिंग, ब्लैक कलर और आपका मेन कलर हो गया। और ऐसे ही इसका साइड पैनल भी डुअल टोन में दिया जाता है और इसका जो मडगार्ड है ये भी आपको बॉडी कलर ही दे रखा है। वहीं पर दोस्तों इसका जो ये एग्जॉस्ट है इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की प्लेट लगा करके दी जाती है और ये ऑरेंज कलर के अलावा जो इसमें आपका दूसरा कलर आता है वो ये आपका ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है। इसका भी जो मडगार्ड है ये आपको बॉडी कलर दे रखा है, एग्जॉस्ट के ऊपर आपको ब्लैक कलर की प्लेट दी जाती है और ऐसे ही फ्यूल टैंक भी आपको ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ऐसे ही साइड पैनल्स हो गए और इसका फ्रंट मडगार्ड भी आपको ग्रे कलर का मतलब की बॉडी कलर का दिया जाता है। और ये जो टीवीएस रोनिन का टॉप एंड वेरियंट है इसकी दिल्ली एक्सोरूम की मतलब 1,68,750 के आसपास है और ये मोटरसाइकिल आपको 2,00,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी। और यहीं पर अगर आप इसकी कीमतों को इसके बेस वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो फिर दोस्तों आप इसके लिए 20,000 रुपये तक ज़्यादा देने वाले हैं। वहीं पर अगर आप इसको DS वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो फिर आप इसके लिए 12,000 से 13,000 रुपये ज़्यादा देने वाले हैं। और इतने पैसे देने के बाद इसमें आपको कॉस्मेटिकली अपडेट्स तो दिखाई दे ही रही हैं, इसके साथ साथ दोस्तों टेक्निकली इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स दिए जाते हैं जिनको अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स में लगवाने चलते हैं तो इन्हीं की कीमत आपको 1,500 रुपये के आसपास पड़ जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपको इस मोटरसाइकिल में आपको सेफ्टी के हिसाब से डुअल चैनल ABS भी दिया जाता है। और अब बात की जाए कि ये जो टीवीएस रोनिन के तीनों ही वेरिएंट्स है और ये जो 6 कलर ऑप्शंस है इनमें से किसको खरीदना सबसे ज्यादा वर्थ है, मैं कौन सा खरीदना आपको सजेस्ट करूंगा,
तो दोस्तों देखिए, अगर आप इसके बेस वेरिएंट को देखते हैं तो ये मुझे सबसे ज़्यादा वर्थ लग रहा है, क्योंकि एक तो इसकी कीमतें काफ़ी कम है और इसके कलर ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि ब्लैक में भी ये मोटरसाइकिल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, ऑल ब्लैक कलर ऑप्शन आपको दिया जाता है, और दूसरा जो इसका रेड कलर है वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद जब आप 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद इसके DS वेरिएंट पर जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसे बड़े फ़र्क नहीं आते हैं। बस जो भी आपको फ़र्क देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कॉस्मेटिक ही हैं, जैसे कि आपके गोल्डन सस्पेंशंस हो गए या फिर थोड़े बहुत ग्राफिक्स हो गए, जो कि मुझे 8,000 रुपये के हिसाब से इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लग रहा है। और अगर आप ये TVS Ronin के TS वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, जो कि ये TVS Ronin का टॉप एंड वेरिएंट है, तो दोस्तों अगर आप इसको बेस वेरिएंट से ही कंपेयर करते हैं तो फिर आप इसके लिए 20-21 हज़ार रुपये ज़्यादा देने वाले हैं। और 20-21 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद एक तो इसमें आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसके बाद इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स दे दिए जाते हैं, जो कि अगर आप अपने बाकी और वेरिएंट्स में लगवाते तो यही आपको 1500-1600 रुपये के आसपास पड़ जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं, और सेफ्टी के लिए इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी दिया जाता है। तो मतलब या तो आप अपना काम ये रोनिन के बेस वेरिएंट से ही चला लीजिए, या फिर अगर आपको खर्च करना ही है, आपको पैसे थोड़े और एक्स्ट्रा लगा नहीं है, तो फिर आप ये DS वेरिएंट को इग्नोर करके सीधा TS वेरिएंट पर जाइए और इसी पर अपने पैसे लगाइए। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी इस मोटरसाइकिल पर आपके क्या विचार है, आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना ज़्यादा वर्थ लग रहा है, वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।